हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर की और जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की, जो कि कहाँ पर थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी थी। एडवर्टीजमेंट नंबर की हम बात करें तो 02/2021 ये वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट नंबर था, जो कि जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट थी। तो ये वैकेंसी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ये जो वैकेंसी थी दोनों पोस्ट पर, ये कैंसिल हो चुकी है। हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो आपको वीडियो को कम्प्लीट देखनी है। सारी आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं किस पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी की, जो वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखनी है। एंड साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो हमारा चैनल है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या फिर ऑफलाइन वैकेंसी कवर करता है, जिसमें आपको डिटेल एलिजिबिलिटी समझाता है। साथ ही साथ ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जिसमें मिनिमम कॉम्पिटिशन होता है और ना के बराबर लोगों को पता होता है। तो आप ऐसी वैकेंसी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने किसी खास दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जिस भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई करा था तो सभी को पता चल सके और वीडियो को लाइक कर देना। नाउ डायरेक्टली चलते हैं अपनी नोटिस के बारे में, उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक भी किसी को नहीं पता चला, तो इससे आपको ज़रूर पता चलने वाला है कि जो वैकेंसी थी ये कैंसिल हो चुकी है। हम आपको नोटिस दिखाएंगे, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी कहाँ की वैकेंसी थी, उड़ीसा भुवनेश्वर की। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था लास्ट ईयर में, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो 02/2021, जो कि डेट इस वैकेंसी इस दिन को लॉन्च हुई थी और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे 20 मई 2021 को, और काफ़ी लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे 21 जून 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी, और इसमें आपको अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी के थ्रू आपको सेंड करना था 30 जून 2021 तक। तो अभी तक आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल चुका होगा, ये सभी जो वैकेंसी थी CSIR IIMT की वैकेंसी थी उड़ीसा भुवनेश्वर में। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह मांगे गए थे इससे रिलेटेड। नाउ हम बात करते हैं, अभी तक भी आपको नहीं पता चला तो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ, आपको जरूर पता चल जाएगा। क्योंकि जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की पोस्ट थी, जिसमें आपको 7 पोस्ट पर वैकेंसी थी, 12th पास वगैरह आपको टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए थी इससे रिलेटेड। और जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट अलग अलग थे, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की पोस्ट थी एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट थी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इन सभी पोस्ट पर आपकी वैकेंसी थी, जो कि लास्ट ईयर आपने अप्लाई करा था इन सभी डेट के बीच। तो आप इसके जो नोटिस हो चुका है कैंसिल हो चुका है। हम चलते हैं आपकी डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, नोटिस पर। जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि ये नोटिस आ चुका है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी में, ये वैकेंसी का कैंसिल का नोटिस आप देख सकते हो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उड़ीसा भुवनेश्वर की वैकेंसी है, जो कि इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है। डेट जो किस तारीख को है, 15 जुलाई 2022 को ये आउट हो चुका है। संख्या आप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन इस तरीके से इस अधिसूचना जारी की गई है। रेफरेंस एडवर्टीजमेंट नंबर बताया गया है 02/2021 जो थी, रिक्रूटमेंट फॉर द 12 पोस्ट पर जो थी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड 2 पोस्ट पर जो थी जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी थी, दोनों पोस्ट पर, चाहे दोनों इंक्लूड की गई है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ये जब सभी पोस्ट थी इनकी जो थी रिक्रूटमेंट फॉर द 2 पोजिशन, ये दोनों पोस्ट की जो वैकेंसी थी, और ये जस्ट नोटिफाइड वाइड अबव द मेंशन ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिश्ड ऑफ IIMT वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट पे ऑफिशियल पब्लिश की गई थी किस तारीख को। ये सभी दोनों वैकेंसी से रिलेटेड जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पे किस दिन, 21 अप्रैल 2021 को पब्लिश की गई थी, और जो भी इसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये आउट जारी हुई थी 8 मई 2021 को। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2021 वेबसाइट पर लॉन्च हुई थी 21 अप्रैल 2021 को। तो ये सभी चीज़ें दोनों पोस्ट पर वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की। एज यू कैन सी हेयर, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, स्टैंड्स कैंसल ड्यू टू सम रीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, किसी कारणवश डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी थी दोनों पोस्ट पर, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर ये वैकेंसी थी, ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैंसिल है, ये कैंसिल नोटिस हो आ चुका है। तो ये दोनों पोस्ट पर आपने अगर अप्लाई करा था और काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह भी आपने अगर दिया होगा इस पोस्ट रिलेटेड, तो ये वैकेंसी जगह कैंसिल कर दी गई है। तो आप इसके लिए अपनी, मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन, और आपको जितने भी कैंडिडेट्स थे इसने अप्लाई करा, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता सकते हो, जो वैकेंसी थी कैंसिल हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हो 28/18/24, तो ये आपका नोटिस आउट हो चुका है। अगर आपको इसकी नोटिस की PDF चाहिए तो आप हमारे को कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो वैकेंसी थी कैंसिल हो चुकी है। नाउ आप इसके लिए
नाउ आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी हमारा चैनल आपको लेटेस्ट वैकेंसी कवर करता है, हमारा चैनल ऑफलाइन वैकेंसी भी कवर करता है, स्टेनोग्राफर की काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी हमारा चैनल आता रहता है समय समय पर। चाहे टेंथ पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स, अच्छी अच्छी वैकेंसी हमारा चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें किसी एक खास दोस्त के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी बेनिफिशियल लगा हो इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।